भैया हट यार, थोड़ा नीचे हो जाओ यार थोड़ा। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक पे गिरा देगा। अरे यार तुम देखना वायर है यार, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम हरी हो यार। हाँ बस बस ऐसे बड़ी बढ़िया बना लो। शंकर भैया ये वहाँ रख देना, और बाद में वर्षा खत्म होने पर बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। पेड़ों की जड़ों से निकली एक बूंद है, नर्मदा मैया की पवित्र धाराएं धार बन जाती है। अरे बाद में सेल्फी ले लेना है। पेड़ों की संख्या कम हुई इससे नर्मदा जी की धार भी कम हुई, और इससे मेरे बहनों और भाइयों में नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, हमारी समृद्धि का आधार है। निमाड़ो, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, विराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, यहाँ तक के मालव भूमि तक जहां भी जल की मांग होती है, नर्मदा मैया ही हमारे पास एक माँ के रूप में कृपा होती है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं कि माँ चले चलो। और मैया चली भी जाती है, हमारे खेतों में अन्न का उत्पादन माँ नर्मदा की कृपा है, पीने का पानी और बिजली नर्मदा मैया दे रही है। नर्मदा मैया में जल नहीं रहा तो मध्य प्रदेश जिंदा नहीं रह सकता, मध्य प्रदेश बच नहीं सकता। और इसलिए जरूरी था कि नर्मदा भैया कल कल छल छल करके बहती रहे, और इसे नर्मदा सेवा यात्रा में यह तय किया तो नर्मदा जी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण 2 जुलाई के दिन होगा। आज का दिन एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अकेले इंदौर संभाग में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, मैं जनता जनार्दन को बधाई देना चाहता हूं। ओंकारेश्वर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, देवास, झाबुआ, एक नया इतिहास रचा। मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा जी के जल की धार तो बढ़ेगी, लेकिन एक और चीज करवाओ यार, बताओ हमारे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अरे जोर से बताओ क्या है? अच्छा पानी से ज्यादा जरूरी क्या है? हवा। हम जिंदा कौन सी हवा लेकर जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं। अरे घर अगर माता पिता भोजन नहीं दे तो 2-4-5 दिन काम चल जाएगा, लेकिन 2 मिनट अगर हवा नहीं मिली तो काम चलेगा क्या? हमारा क्या होगा? राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, फिर लेके धर के भी ले जाएंगे लोग। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है बताओ? सब जोर से बताओ कहाँ से मिलती है? तो पेड़ हमें जिंदगी देते हैं कि नहीं? पेड़ हमें जिंदगी देते हैं, और जिंदगी देने वाला कौन होता है? अरे कौन होता है? जो देने वाला देवता होता है, भगवान होता है। तो बताओ पेड़ भगवान है कि नहीं? ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? ऐसे भगवान लगाए जाने चाहिए कि नहीं? आज पेड़ नहीं लगाए, हमने भगवान की पूजा की है मेरे बेटे बेटियों, भगवान की उपासना आराधना की है। और मैंने अभी एक बात और कही, ऑक्सीजन जरूरी हमारे लिए। हम जो हवा बाहर अपनी सांस से छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारे फेफड़ों की जो हवा प्रदूषित होती है उसको पेड़ ग्रहण करते हैं और शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के हमें भेजते हैं। आप बताओ जो व्यक्ति पेड़ नहीं लगाता वो ऑक्सीजन भी उसके माध्यम से धरती पर नहीं आता। तो जो पेड़ नहीं लगाता वो ऑक्सीजन तो लेता है,
लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था धरती पर नहीं करता तो बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताओ पाप है कि नहीं? सबसे कह दो बेटा बेटियों कि जो पेड़ नहीं लगाता वो पाप करता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो लेता है लेकिन ऑक्सीजन इस धरती पर बनी रहे इसकी कोई व्यवस्था नहीं करता। और इसलिए आज आप जिन पेड़ लगाए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, केवल इंकारेश्वर नहीं पूरे मध्य प्रदेश की पेड़ लगाने वाली जनता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करके पर्यावरण बचाने का काम किया है। आज पर्यावरण बचाने वाले महापुरुष बन गए आप लोग जो धरती मैया की सेवा कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा, धरती मैया का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा पता है कि नहीं? पेरिस में दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद सबने कहा कि जिस गति से धरती का तापमान बढ़ रहा है 2050 तक धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और उसका परिणाम क्या होगा? अरे गर्मी तो होगी लेकिन बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र के किनारे के टापू गांव डूब जाएंगे। और एक परिणाम यह होगा कि वर्षा अनियमित होगी, मतलब कभी बहुत ज्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा। और ये जरूरी है कि धरती की सतह का तापमान ना बढ़े। दुनिया भर के देशों ने यह संकल्प किया कि धरती की सतह का तापमान हमको कम करना है। अपने देश भारत ने भी संकल्प किया, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है कि धरती की सतह का तापमान बढ़ने नहीं देंगे। और धरती की सतह का तापमान ना बढ़े इसका उपाय क्या है? और सब जोर से बताओ उपाय क्या है? पेड़ लगाना। और इसलिए ओंकारेश्वर वालों, आपने केवल अपने लिए पेड़ नहीं लगाए, आपने धरती बचाने के लिए पेड़ लगाए हैं, दुनिया बचाने के लिए पेड़ लगाए हैं, पृथ्वी बचाने के लिए पेड़ लगाए हैं। ये पेड़ लगेगी तो पृथ्वी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश भारत अपने देश के कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। सुन लो दुनिया वालों, ये मेरे मध्य प्रदेश की जनता है जो जागरूक है, जो धरती बचाना चाहती है, जो परोपकारी है, जो केवल अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के जीने की पूरे दुनिया के जीने के लिए यहाँ के पर्यावरण सुधारने का काम कर रही है। और इसलिए दुनिया वालों आप भी पेड़ लगाओ, भारतवासियों मेरे देशवासियों आप भी पेड़ लगाओ। और मध्य प्रदेश वासियों आपने तो चमत्कार किया है, आज पेड़ लगा के अमरकंटक से मैं चला, चारों तरफ धन के 10 पेड़ लेके चले आ रहे थे, जहाँ देखो वहां वृक्षारोपण का काम हो रहा था। प्रसन्नता के आंसू आज मेरी आंखों में भरे आए कि मेरे प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है तो धरती बचाने निकल पड़ी है, नर्मदा मैया बचाने निकल पड़ी है, पर्यावरण बचाने निकल पड़ी है। और इसलिए आप सब पेड़ लगाने वाले भाइयों और बहनों का, सभी सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं का, संतों का, मीडिया के मित्रों का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का, आज तो अजीब दृश्य देखे, पुलिस वाले पेड़ लगा रहे हैं, कहीं विभाग वाले पेड़ लगा रहे हैं, किसान पेड़ लगा रहे हैं, अध्यापक पेड़ लगा रहे हैं, आबकारी वाले पेड़ लगा रहे हैं, जो देखो वो पेड़ लगा रहा है, सारे सरकारी विभाग भी जुड़ गए, गैर सरकारी विभाग भी जुड़ गए, आम जनता भी जुट गई। और एक नया इतिहास मध्य प्रदेश की धरती पर रचा गया है। अब हमारा काम है, और मीडिया के मित्रों ने भी आज सबने जब पेड़ लगाए, हम सब मिलके सचमुच इस अभियान को सफल बनाए। यह अद्भुत अभियान है ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसी रहे कि मानव जाति की संतानें बची रहे, और नहीं तो खबरदार आने वाली धरती पर कुछ सैकड़ों इंसान आप थोड़ा इधर हो जाए, सबका अभिनंदन करता हूँ, थोड़ा इधर हो जा रहा है। अब फौज रक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लगाए गए पेड़ बचाए जाएंगे, उसका अभियान चलाया जाएगा, अगले साल फिर पेड़ लगाए जाएंगे, मध्य प्रदेश धरती को बचाने में दुनिया का नंबर एक का राज्य बनेगा, ये संकल्प हमारा है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ने में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बोलिए धरती मैया की जय, संत समाज की।
भगवान की जय, पेड़ लगाने वाले बहनों भाइयों की जय, और मेरे सभी भांजे भांजियों की जय, ओंकार महाराज की जय, हर हर महाराज सर। भगवान ने सी एस एफ के जवानों ने भी पेड़ लगाए सर। आईडी ले लो, आईडी।